शामगढ़ प्रतिवर्ष अनुसार नगर की आराध्य देवी मां महिषासुर मर्दिनी के नाम से प्रख्यात 8 दिवसीय पशु मेले का आयोजन 50 वर्षों से होता चला आ रहा है। यह आयोजन नगर परिषद के द्वारा आयोजित किया जाता है। प्रतिवर्ष अनुसार परंपरागत महिषासुर मर्दिनी देवी के मंदिर पर माता रानी की पूजा अर्चना कर नगर परिषद अध्यक्ष कविता नरेंद्र यादव एवं नगर परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारी सुरेश यादव एवं पार्षदगण सभापति तथा नगर परिषद के सभी कर्मचारीगण नागरिकों के द्वारा उपस्थित होकर के माता रानी की पूजा अर्चना की गई व चुनरी चढ़ाई गई। तत्पश्चात वेड़ी के बालाजी बजरंगबली के मंदिर पर पूजा अर्चना की गई एवं सगोरिया पीर बाबा के यहाँ चादर चढ़ाई गई। जाकर मेले स्थल पर सुहासरा पेट्रोल पंप के पास प्रसिद्ध कथा भागवत आचार्य अर्पणा नागदा के द्वारा हवन पूजा अक्षय तृतीया के दिवस पर की गई एवं भव्य मेले का शुभारंभ किया जाकर फीता काटकर आरंभ किया गया। मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने बताया कि नगर परिषद मुख्य नगरपालिका अधिकारी सुरेश यादव द्वारा बताया गया कि मतदाता जागरूकता के लिए भी सेल्फी पॉइंट लगाया गया है। इस आचार संहिता के चलते मेले में कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम की अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। मेला परंपरागत तरीके से झूले चक्री और सभी मनोरंजक साधन के साथ सभी प्रकार की विशेष दुकानों से सुसज्जित होकर के लगाया जा रहा है। साथ ही पशु मेला होने से आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के सभी किसान अपने अपने पशुओं की खरीदी बिक्री के लिए मेले के अवसर को अपने आने की अपील की गई। मां महिषासुर मर्दिनी मेले में प्रकाश सुरक्षा और पानी की समुचित व्यवस्था होगी। कोशिश की जाएगी कि और नगर के गणमान्य नागरिकों से भी अनुरोध है कि वह भी इस भव्य मां महिषासुर मर्दिनी पशु मेले में अपना सहयोग प्रदान कर इस मेले को सफल बनाए। शामगढ़ संवाददाता संजय चौहान की रिपोर्ट।